हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज कंपनी का जो कारोबार है उसको जानेंगे। कंपनी यहाँ पर जो है किस तरह से जो बिजनेस सेगमेंट में जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है, और इन फ्यूचर यहाँ पर हमें जो है क्या जो है डेट इज बिजनेस रिलेटेड जो है क्या देखने को मिल सकता है, और नई चीज़ें उसके ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी का यहाँ पर शेयर प्राइस जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से जो है किस तरह की देखने को मिली है, डेट इज होल्डिंग जो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर जो FIDA पब्लिक होल्डिंग क्या देखने को मिलती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन किस तरह से देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो है फोकस करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज कंपनी का कारोबार बताऊँ तो यहाँ पर इस कंपनी का मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर है इन द बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी डिवीजन एज वेल एज यहाँ पर ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी टेक्सटाइल और केमिकल्स होते हैं उसके अंदर काम करती है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट से अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आपको क्लियरली बात करूँ तो इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर में जो है दैट इज ट्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो टेक्सटाइल रिलेटेड या फिर केमिकल्स हो गए उसके अंदर यहाँ पर में जो है मेन जो इस कंपनी का कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हुई कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बात करते हैं तो 169 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी यहाँ पर चल रहा है सिर्फ 0.94। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर 254% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज आर ऑल्सो 376% का जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर करंटली अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देते हैं तो 47.9 का है, और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 30 का चल रहा है। बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, डेट इज 20 रुपये की बुक वैल्यू, और करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 26 पर, और यहाँ पर हाई प्राइस 41.5 और लो प्राइस यहाँ पर 11.4 देखने को मिल रहा है। एंड एज पर करंट मार्केट प्राइस डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो गुड, डेट इज 9.52%। बट यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग इतना कम क्यों है, और यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी हम यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि जो कंपनी अर्निंग हुई थी वो यहाँ पर वन टाइम दैट इज अदर इनकम से हुई थी, कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर हुई थी, तो ये भी ज्यादा जो है फोकस करने लायक होगा। बिकॉज 2019, 20 और 21 के अंदर यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पर कोई भी धंधा देखने को नहीं मिला है। ऑल दो 2021 के अंदर 43 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर जो है यहाँ पर कंपनी ने 3.11 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया था, और 2022 के अंदर 463 करोड़ के यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और उसके ऊपर 184 करोड़ के जो है यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के नंबर आए हैं। तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी यहाँ पर हमारा जो है फोकस रहना चाहिए कि ये जो इनकम है वो अदर इनकम से आई है या किस तरह से। सो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम यहाँ पर 2021 के अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये 2022 मार्च का अगर हम यहाँ पर सिर्फ देखते हैं तो यहाँ पर 430 करोड़ के ट्रेमेंडस जो है सेल्स देखने को मिले हैं, जो कि इसी के थ्रू जो है एक अच्छा सा जो है सर्च देखने को मिला है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर एक्सपेंस कट होने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 करोड़ का आया था, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट प्रॉफिट 178 करोड़ के यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं अदर इनकम से नहीं। बट आई थिंक यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ी खासी जो है यहाँ पर कंपनी की डील हुई है, सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो एक अच्छा सा जो है कंपनी का क्वार्टर गया हुआ है। बट आई डोंट थिंक कि ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें लंबे समय के लिए जो है सस्टेन होते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये जो चीज़ है वो सस्टेन करना थोड़ी बहुत जो है मुश्किल हो जाती है, बिकॉज कंपनी के इस तरह के जो नतीजे होते हैं वो डेफिनेटली एक तरह से देखें तो आप इतने डेट इज सेप्टेम्बर 2019 से या फिर सेप्टेम्बर 2022 तक भी अगर देखते हैं तो कंपनी के कोई भी टाइम पे आपको कोई बड़े नंबर्स जो होंगे वो देखने को नहीं मिले। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन मार्च 2022 इज़ वन टाइम काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पर हम जो है इसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 8 करोड़ और 3 करोड़ यहाँ पर जो है कंपनी फिर से जो है वही स्टेज पर आते हुए देखने को मिल रही है कि कंपनी के वही जो रेवेन्यू आ रहे थे वही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रही है।
सो दैट इज़ वॉट हैज़ हैपन कि यहाँ पर हमें जो है इतना बड़ा खासा जो है सर्च देखने को मिला है, बिकॉज एक अच्छा सा जो है कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो भी रहा है से फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के का प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर स्टैग्नेंट 20.31% की ही देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास पड़ा हुआ है या फिर FIA के द्वारा जो है होल्ड किया गया हुआ है, दैट इज़ 38.87% एक बार में जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सातेन लिमिटेड करके जो है एक बहुत ही बड़ा फर्म है गैस वहाँ पर जो है खरीदा गया हुआ है, एंड बाकी पब्लिक होल्डिंग के 36.69% देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर ऑल दो यहाँ पर हमारा फोकस तो उसी के ऊपर रहेगा कि यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं देखने मिले बिकॉज कंपनी प्रमोट होल्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसके साथ में अगर मैं यहाँ पर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो पर डेफिनेटली ऑन स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिल रहा हूँ, बट ऑन एन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करना चाहे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर 7 करोड़ का आया था और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर -16 करोड़, और उसके वजह से भी कंपनी ने यहाँ पर फिक्स एसेट्स जो है 38 करोड़ के बाय किए हुए हैं, एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इफ वी सी तो यहाँ पर कंपनी ने जो रिपेमेंट ऑफ बोरिंग है ऑलमोस्ट 26 से 27 करोड़ की गई हुई है। 5 साल का हाई प्राइस यहाँ पर 40.8 का है और यहाँ पर लो प्राइस 7.85 का है, और आज जो है 4.72% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोज 26.25 पे देखने को मिला है। सो नाउ द क्वेश्चन राइज कि यहाँ पर मैं जो है निवेश करना चाहिए या नहीं। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो एक अच्छा सा सर्च भी देखने को मिला है वो जो हुआ है वो वन टाइम काइंड ऑफ थिंग था, सो उसे जो है ओवर लॉन्गर पीरियड टाइम हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हमें जो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर स्टॉक जो है डेफिनेटली अगर हम उसको अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशन पे कंसीडर करते हैं तो बहुत ही बड़ा जो है मार्केट कैप हो सकता है, बट यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो वन साइड थी और वन टाइम थी, सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हमें जो है लंबे टाइम के लिए ये जो चीज़ जो देखने को मिली है वो देखने को नहीं मिलेगी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो हमने यहाँ पर चैलेंजेस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छी से पता चल गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस स्टॉक डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।